हाँ जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अज्जू एजुकेशन पर। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जो पेंसिलें होती है ड्राइंग बनाने के लिए उनको अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, तो वो किस प्रकार से होती है और क्यों बांटा गया है, चलिए हम बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में। तो सबसे पहले पेंसिल का टॉपिक है, तो ड्राइंग बनाने के लिए जो मानक मानक को स्टैंडर्ड बोलते हैं, अर्ध स्वचालित या सेमी ऑटोमेटिक पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए हमेशा। अगर हमें ड्राइंग बनानी हो तो एक तो स्टैंडर्ड या सेमी ऑटोमेटिक पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए, और फिर घटिया किस्म की पेंसिल एक समान मोटाई व शेड की रेखाएं नहीं खींच पाती है दोस्तों, तथा काम करते हैं जब हम ड्राइंग में तो उस समय बार बार टूट जाती है और हमें परेशान भी करती है। इसलिए दोस्तों अच्छी किस्म की पेंसिलें ही काम में लेनी चाहिए, और पेंसिल लीड, ग्रेफाइट तथा केओलाइन मिट्टी से बनाई जाती है। यानी जो पेंसिल है वो किस किस से बनाई जाती है, तो पेंसिल है वो लीड, ग्रेफाइट तथा केओलाइन मिट्टी से बनाई जाती है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगली बात है दोस्तों, जितनी अधिक केओलाइन की मात्रा होगी पेंसिल उतनी ही कठोर होगी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आईटीआई कर रहे हैं उनके लिए भी यानी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। यानी जितनी अधिक केओलाइन की मात्रा होगी जो पेंसिल उतनी ही कठोर होगी, और जितनी ही केओलाइन की मात्रा कम होगी उतनी ही पेंसिल नरम होती जाएगी, और यह विभिन्न ग्रेड में उपलब्ध होती है। आजकल मैकेनिकल ऑटोमेटिक पेंसिल या क्लच पेंसिल जो 0.3, 0.5 और 0.7 और 0.9 mm लीड व्यास वाली प्रयोग में ली जाती है, तो आपको याद रखना है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं जो पेंसिलें होती है उनको तीन श्रेणियों में बांटा गया है। पहली कौन सी है, कठोर या हार्ड बोल सकते हैं इसको, यानी कठोर या हार्ड, यानी इसमें कौन कौन सी पेंसिलें आती है। इसमें आती है दोस्तों 9H, 8H, 7H, 6H और 5H और 4H, यानी कुल मिला के 6 पेंसिलें आती है। कौन कौन सी, 9H, घटते क्रम में आपको याद रखना है, 9H, 8H, 7H और 6H, 5H और 4H। ठीक है दोस्तों, ये होती है हल्की व महीन लाइन के लिए, यानी सबसे ज़्यादा कठोर पेंसिलें होती है। और दूसरी श्रेणी होती है दोस्तों मध्यम ग्रेड की, यानी इसको तीन श्रेणियों में बांटा गया है पेंसिलों को ड्राइंग बनाने के लिए। पहली कठोर होगी, कठोर में ये 6 प्रकार की पेंसिलें होती है, 9H, 8H, 7H और 6H, 5H और 4H, जो हल्की व महीन लाइन के लिए काम में ली जाती है। अगला है दोस्तों मध्यम या मीडियम ग्रेड बोल सकते हैं, तो इसमें आती है 3H और 2H, H और HB और B। सबसे ज़्यादा उपयोग मध्यम ग्रेड की पेंसिलों का ही किया जाता है, तो ड्राइंग में ज़्यादातर 3H की पेंसिल या 2H की पेंसिल का उपयोग किया जाता है। HB की पेंसिल होती है उसका उपयोग हमेशा स्केचिंग के लिए किया जाता है, जो आमतौर पर बाज़ार में मिलती है जो होती है HB की, यानी उस पेंसिल की ग्रेड होती है HB, जो सभी कार्यों में काम में ली जाती है लेकिन ड्राइंग में नहीं ली जाती। तो मध्यम ग्रेड की पेंसिल में 3H, 2H और H, HB और B, यानी पांच प्रकार की पेंसिलें आती है। रिकॉर्ड कार्य, आरक्षण सॉरी अक्षरण या लेटरिंग बोल सकते हैं, एरो हेड के लिए काम में ली जाती है। और फिर आता है दोस्तों सी ग्रेड, यानी सी ग्रेड में आती है सबसे जो नॉर्मल या नरम या बोल सकते हैं सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिलें आती है, तो इसमें होती है 2B, 3B जो बढ़ते क्रम में हो जाती है, 4B, 5B, 6B और 7B, यानी कुल मिलाकर 6 प्रकार की पेंसिलें होती है इसमें जो कला कार्य के लिए काम में ली जाती है सिर्फ और सिर्फ। यानी आपको याद रखना है कठोर जो हार्ड होती है उसमें हमेशा घटते क्रम में होता है, 9H, 8H, 7H, 6H और 5H से लेकर 4H तक। ठीक है दोस्तों, जो हल्के व महीन लाइन के लिए होती है, और मध्यम ग्रेड की जो पेंसिलें होती है वो होती है 3H, 2H, फिर H, फिर HB और फिर B, यानी उसके बाद में नरम
ग्रेड चालू हो जाती है। उसके अंदर 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और 7B तक आती है, जो कला कार्य के लिए काम में ली जाती है। अब हम बात करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, जितने कैंडिडेट देख रहे हैं इस लाइन को आपको याद रखना है। यानी दोस्तों जो 7B की पेंसिल है वो सबसे नरम, हमेशा अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में सबसे नरम ग्रेड की पेंसिल कौन सी होती है, तो इसका आंसर होगा 7B। और 9H की जो पेंसिल है दोस्तों वो होती है सबसे कठोर। यानी 7B की पेंसिल सबसे नरम तथा 9H की पेंसिल सबसे कठोर होती है। HB का अर्थ होता है हार्ड बॉन्ड। यानी अगर आपसे पूछा जाए HB का मतलब क्या होता है, हार्ड बॉन्ड, तो बारीक रेखा खींचने के लिए पेंसिल की नोक पेनी या नोकदार होनी चाहिए। तो दोस्तों जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं IT इलेक्ट्रीशियन की, उनके लिए महत्वपूर्ण है। और जो असिस्टेंट लोको पायलट CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ड्राइंग के अंदर से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेंसिलों के बारे में, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको यह अच्छा लगा तो, और इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल अज्जू एजुकेशन के साथ। धन्यवाद दोस्तों, आपका भरोसा हमारा साथ।